दमन को लीजिए दोस्तों 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 30 दिन में दमन के साथ क्या क्या हुआ, मतलब कहां कहां इसको रिलीज किया गया और 30 दिन के अंदर ये कितना कलेक्शन कर चुकी है। देखो स्टार्टिंग से ही मैं आपको सब कुछ कंप्लीट बताने वाला हूं। 4 नवंबर को दमन को ओडिशा के अंदर रिलीज किया गया और वो भी खाली ओडिशा की ओडिया भाषा में। स्टार्टिंग के 2-3 दिन तक कांतरा फिल्म की तरह ही ये भी इतनी ज्यादा नहीं चली और लोग इसे देखने नहीं गए, लेकिन बाद में धीरे धीरे फिल्म की स्टोरी के बारे में चर्चा होने लगी। फिल्म की स्टोरी मलकानगिरी जिले की सच्ची घटना पर आधारित है, जिसके बाद धीरे धीरे करके लोग इसे देखने के लिए जाने लगे। उसके बाद धीरे धीरे इस फिल्म की चर्चा ओडिशा के बाहर भी होने लगी और फिर लोगों ने डिमांड की कि भाई इसको ओडिशा के बाहर भी रिलीज किया जाए। और फिर ओडिशा में रिलीज के 7 दिन बाद इसको ओडिशा के बाहर भी रिलीज किया गया, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, रायपुर, इनमें मुंबई को छोड़कर सभी जगह एक एक शो लगाए गए थे। खैर उसके बाद 13 तारीख तक, तो यानी 3 दिन तक दमन के शो हर जगह एक एक दो दो बढ़ते रहे, लेकिन 13 तारीख के बाद में इसके एकदम से शो कम कर दिए गए और दिल्ली NCR जैसी जगहों में तो इसके बिल्कुल भी शो बंद कर दिए गए। 13 तारीख के बाद लगातार दमन के शो कम होते रहे, लेकिन बेंगलुरु और हैदराबाद में ये काफी अच्छी चल रही थी, जिसके बाद बेंगलुरु में धीरे धीरे करके 9-10 शो हो गए थे और हैदराबाद में भी 3-4 शो चल रहे थे। इसी बीच लगभग 13 तारीख के आसपास मेकर्स ने दमन के हिंदी डबिंग की भी अनाउंस कर दी थी, जिसके बाद लगभग 22-23 तारीख दमन की हिंदी डबिंग स्टार्ट की गई। और आपको बता दूं दमन को हिंदी में डब किया है साउथ के जाने माने वॉइस आर्टिस्ट संकेत मात्रे ने, जिनकी आवाज आपने अल्लू अर्जुन की फिल्मों में सुनी होगी। खैर बाद 27 तारीख के आसपास दमन की डबिंग कम्प्लीट हुई और ये चीज खुद दमन को डबिंग करने वाले संकेत मात्रे में वीडियो बनाकर बताई। खैर इसी बीच आपको बता दूं दमन को एक बार फिर से 25 तारीख को मुंबई में गेडी गैलेक्सी में रिलीज किया गया, जिसके बाद वहां पर ये फिल्म काफी अच्छी चली, लेकिन 4-5 दिन बाद ही उसका वो शो फिर से बंद कर दिया गया। क्योंकि आपको बताऊंगा दिसंबर के स्टार्टिंग में बॉलीवुड की 1-2 फिल्म रिलीज हुई है और उनके शो लगाने के कारण ही दमन का शो बंद कर दिया गया। बाकी हम बात करें दमन के 30 दिन के कलेक्शन की, 30 दिन के अंदर ये लगभग 6 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। अब देखिए फर्स्ट वीक में इसने ओडिशा के अंदर कलेक्शन किया 1,80,00,000 का, सेकंड वीक में किया 1,20,00,000 का। अब आगे के 2 वीक की कलेक्शन रिपोर्ट नहीं आई, बट अगर आगे के 2 वीक की 2.5 करोड़ कलेक्शन भी माने तो भी भाई 4 वीक का टोटल लगभग 5.5 करोड़ होता है। वहीं अब ओडिशा के बाहर का कलेक्शन भी 30 लाख के आसपास तो आया, टोटल मिलाकर 5.8 करोड़ के आसपास होता है। अब इससे ज्यादा आया होगा तो भी क्या पता, क्योंकि अब तक इसने टोटल कलेक्शन कितना किया इसके बारे में अभी तक मेकर्स ने कुछ भी नहीं बताया। खैर अब 30 दिन के अंदर जो कुछ भी दमन के साथ हुआ है वो यही सब हुआ है। बाकी अब जल्द ही इसका हिंदी ट्रेलर आने वाला है।